63 का वाकया है। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था बोल्डर कोलोराडो। ये कैनेडी के असैसिनेशन के एक महीने की बात की बात है, दिसंबर का महीना था। मेरे एक दोस्त थे वह कोलोराडो में, वो स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर थे, उनका नाम है डॉक्टर मोइनुद्दीन सिद्दीकी। तो हम लोग तो एक मोटेल में जाके ठहर गए थे, मेरे साथ मैं था और मेरी बेगम मरहूम आती और आसिफ था, छोटा सा था उस वक्त, 3-4 साल 5 साल का होगा। तो हमारा जो खाना होता था वो मोइनुद्दीन साहब के घर होता था, वो हमको ले जाते थे, डिनर जो है उनके यहाँ होता था। तो उस वक्त उनकी बेगम जो थी वो गोरी थी, वो मुसलमान नहीं हुई थी जी। तो हम लोग जो हैं सब मिल के उसको मुसलमान करने की कोशिश करते थे जी। तो वो कहती थी मुझे बताओ कि मैं क्यों मुसलमान हूँ जी, क्योंकि मुसलमान जो यहाँ आते हैं वो सब वही हरकतें करते हैं जो हम लोग करते हैं, तो हमारे में उनमें क्या फ़र्क हुआ। तो किसी ने जल के उससे कहा कि अगर तुम मुसलमान नहीं होगी तो अल्लाह तुमको अज़ाब देगा। तो कहने लगी मुझे बताओ कि मुझे अज़ाब क्यों देगा अल्लाह, मैंने तो उससे नहीं कहा था कि मुझे पैदा करो, उसने तो खुद पैदा किया है। तो बहरहाल वो हम लोग सब एक तरफ होते थे, वो एक तरफ होती थी, वो मुसलमान नहीं हुई। मगर उसके बाद ये हुआ कि अचानक अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दी और किसी के कहने से नहीं, बस उसके दिल में खुद ही आया और वह ऐसी पक्की मुसलमान हुई कि हम लोगों को भी मात करे वो, यानी हर चीज़ की पाबंद, हर पर्दे की पाबंद कि कौन महरम गैर महरम का ख्याल। तो वो गोरी थी लेकिन ये कि इस कदर पक्की मुसलमानी, तो ये अल्लाह ताला की हिदायत जब आती है तो फिर इंसान की काया पलट हो जाती है उसको, और ये इंसान के अख्तियार में नहीं है किसी को हिदायत देना जी जी। तो वो एक शेर है ना कि हाथ में आए तो बुत, हाथ ना आए तो खुदा होता है। और एक और शेर है कि हम बुतों को जो प्यार करते हैं नकले परवरदिगार करते हैं। क्या करते हैं हम बुतों को जो प्यार करते हैं नकले परवरदिगार करते हैं। कवाली है, कवाली तो सारी शेर है। चार लोग जो हैं वो तो आधे देरी बाद में गुलू करते हैं, शायद तो आधे देरी भी हो, आधे क्या जैसे मैं नाम को सुना मोमिन का सुनाया था ना, बात तो बहुत अच्छा क्यों सुने अर्ज मुस्तराए मोमिन सनम आखिर खुदा नहीं होता। तो यानी कि अल्लाह ताला की खसूसियत है कि वो मुस्तर की दुआ सुनता है मगर इंसान तो नहीं सुन सकता जी। अल्लाह ताला कहे कि उसमें सूरह अन्नमल में आयत है, अम्मन युजीबुल मुत्तर इज़ा दाऊ यक्शफुस्सू, यानी वो कौन है जो एक बेकस की दुआ को का जवाब देता है और उसकी तकलीफ को दूर करता है, क्या अल्लाह ताला के सेवा कोई और हो सकता है। बहुत बड़ी पावरफुल आयत है वो, अम्मन युजीबुल मुत्तर इज़ा दाऊ यक्शफुस्सू इलाहुम्मा अल्लाह, यानी क्या अल्लाह ताला के सेवा कोई और है या हो सकता है, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला का
की सिफत है कि वो हर जगह हर एक की मदद को पहुंचता है जी। तो अल्लाह मियाँ अल्लाह ताला जो है वो शिफा अता करता है, और जो इंसान जो बीमार होता है वो कौन करता है? वो इंसान खुद बीमार होता है या सर्कमस्टेंसेस माहौल होता है या अल्लाह मियाँ इसकी तकदीर शोरा में है ना कि हम ही भेजते हैं। हज़रत इब्राहिम ने जाकर कहा था खुदा भाई साहब मरे तो फवीन, इन्हें जब मैं बीमार होता हूँ वो शिफा देता है। ये बाद लोग बीमारों के लिए तजवीज़ करते हैं ये दुआ भाई साहब मरे तो फवीन। ये नहीं कहा कि जब हम बीमार होते हैं शफा देता, हम ये नहीं कहा कि हमको बीमारी देता है, कहा कि हमको शफा देता है जब हम बीमार होते। तो लेकिन जो बंदा बीमार होता है वो सोच रहा होता है ना, वो तो अक्सर यही सोच रहा होता है कि मुझे बीमारी क्यों हुई है। वो जब उसके मसलन उसका कोई रिश्तेदार जो है मसलन उसको बहुत ही कोई टर्मिनल डिजीज़ हो जाती है, कैंसर हो जाता है, कोई फौत हो जाता है, तो वो फिर इंसान सोचता है ना कि ये क्या तकदीर थी, ये क्या था, ये मतलब अल्लाह मियाँ का इसमें हाथ है ना कि नहीं है। ये काजी फजल साहब जो हैं वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि बाज हथौड़े जो हैं जो इंसान पे पड़ते हैं वो डंड दूर करने के लिए पड़ते हैं, यानी अल्लाह ताला जो हैं वो बंदे को सही रास्ता दिखाते हैं इससे जी। लेकिन इलेक्शन के लिए आते हैं ठीक है, वो ठीक है, वो बात मैं समझता हूँ, वो बात मैं समझता हूँ, लेकिन वो कुछ छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो छोटी कुछ मुसीबतें होती हैं, कुछ मुसीबतें बहुत बड़ी होती हैं, जो मसलन इतनी बड़ी मुसीबतें होती हैं कि इंसान पागल हो जाता है आसमान से हमारा रहा है। हालांकि वो एक कुरान में वो आयत भी है ना कि अलम नशरह लक सदरक, कि हम किसी इंसान को उस उतना बोझ नहीं देते कि जितना वो सह ना सके, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इंसान भूखे भी मर रहे हैं, मतलब लिटरली मर रहे हैं, मर जाते हैं, खुदकशी भी कर लेते हैं। वो तो अल्लाह ताला फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, यानी अल्लाह ताला जो है वो इंसान के बस से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता, उसकी वसत के मुताबिक देता है। मगर हम देखते हैं कि लोग पागल भी तो हो जाते हैं, लोग पागल हो जाते हैं, साइकियाट्रिक वार्ड में पहुंचते हैं, पागलखाने में पहुंचते हैं लोग, जिसका मतलब है कि उनकी वसत से ज़्यादा उन पर बोझ पड़ गया, अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठते हैं। मगर बात तो ज़हनी बीमारियां होती हैं, वो उसका भी इलाज तो मौजूद है, साइकियाट्रिस्ट वगैरह इलाज करते हैं, या मेंटल डॉक्टर जो होते हैं, क्या कहते हैं उनको? जी साइकियाट्रिस्ट। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको वहाँ पे रखना पड़ता है ना, अस्पताल में ही रह जाते हैं, जिनका इलाज जिनका कोई हल नहीं होता, वो ऐसा ज़बरदस्त इलाज नहीं होता कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो मतलब ये कहने का शायद मेरा सवाल ये है कि जब ये तूफ़ान आते हैं, जब सैलाब आते हैं, जब जलजले आते हैं, जैसे पाकिस्तान में जलजला है और उसमें सैकड़ों हज़ारों लोग जो मर जाते हैं, उनमें बच्चे भी होते हैं, तो मसलन एक बंदा है, उसका बच्चा उस जलजले में या उस सैलाब में उसका बच्चा मर जाता है, तो वो तो यही सोचेगा ना कि अल्लाह मियाँ का इसमें कोई हाथ था,